साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एंटी करप्शन लॉ लेक्चर सीरीज में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एफआईआर को। जो 26 पैरामीटर लास्ट टाइम डिस्कस मैंने किए थे उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफआईआर। एफआईआर जो है सेक्शन 154 सीआरपीसी में दर्ज करते हैं, जिसको दर्ज करने की पावर चौकी के पास नहीं है, इसको दर्ज करने की पावर थाने के पास में है। ये आप नोट कर लें। जब भी एफआईआर को पढ़ेंगे तो इसमें 13 कॉलम जो है आपको देखने को मिलेंगे और हर कॉलम की जो है अपनी अपनी विशेषता है। आज हम एफआईआर को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि हमें उन कॉलम्स में क्या क्या जानकारियां जो है मिलेंगी। सबसे पहली बात, इन कॉलम्स में ये लिखा होगा कि थाना कौन सा है जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। नंबर 2, एफआईआर का नंबर उसमें होगा। नंबर 3, उसमें एफआईआर की डेट जो है लिखी जाएगी। नंबर 4, घटना स्थल से थाने की दूरी, इसको जो है मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा घटना कब घटी उसका एग्जैक्ट समय उसको लिखा जाएगा, इंक्लूडिंग डेट। नंबर 6 पे आएगा कि घटना की सूचना थाने पर कब मिली, जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इस घटना में किस प्रकार से संपत्ति को इन्वॉल्व किया गया है। अगर एंटी करप्शन का मैटर है तो वहां पर रुपयों की बात को जो है यहां पर लिखा जाएगा। घटना घटने में कोई देरी तो नहीं हुई है, इस कारण को भी जो है मेंशन किया जाएगा। और इसके बाद घटना का पूर्ण ब्यौरा पैरा नंबर 12 में जो है दिया जाएगा, पूर्ण ब्यौरा कि घटना जो है किस प्रकार घटी और एंड में किसको आईओ अपॉइंट किया गया और कौन जो है एसएचओ है और वहां पर परिवादी के जो है वो हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी एफआईआर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके केस का फेट जो है ये एफआईआर ही तय करती है। कि अगर किसी मामले में प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना है कि वो फेयर है तो उसका एफआईआर डाउटफुल नहीं होना चाहिए। अगर एफआईआर डाउटफुल है, संदेह से भरा हुआ है, तो किसी भी रूप में ऐसे एफआईआर को जेनाइन एफआईआर नहीं कहा जा सकता है। एक बात जो है आप नोट रखें। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एफआईआर में दो पर्सपेक्टिव में काफी मैनिपुलेशंस होते हैं। एक तो घटना घटने का समय, दूसरा है घटना घटने के संबंध में थाने पर सूचना की प्राप्ति। इनिशियली थाने पर कोई सूचना जो है प्राप्त नहीं होती है और इनका एक प्रोटोकॉल है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसको ये कहते हैं आउटपोस्ट या चौकी, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए, वो कार्रवाई करेंगे। वो लोग पूरी कार्रवाई करने के बाद ही डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और 0 नंबर एफआईआर जो है प्रेषित करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब प्राइमरी की इज दैट कि क्या चौकी के पास एफआईआर काटने की पावर है। द आंसर इज नो। कोई भी चौकी किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है और कोई भी नियम या कायदे कानून जो कि इस देश में है वो संविधान को हिट नहीं कर सकते, खासकर आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 14 ने कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 21 जो है अश्योर करता है फेयर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसके तहत सीआरपीसी का जो निर्माण हुआ है उसमें सेक्शन 154 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी सूचना थाने पे मिल रही है उसको इमीडिएटली जो है दर्ज करना, अगर उसके अवलोकन से कोई संज्ञेय मामला जो है बनना पाया जाता है। पर होता क्या है कि चौकी अपने हिसाब से कार्रवाई करती रहती है, चाहे वो 1 बना ले, चाहे वो 2 बना ले, चाहे वो 3 बना ले, अल्टीमेटली थाने पर जाकर ये एफआईआर काटते हैं। इस एफआईआर का लीगल वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है उस पर्सपेक्टिव में, और ये डिपेंड करता है हर केस से केस पर और डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट। इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट रखें। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस थाने पर एफआईआर काटी जा रही है या जिस थाने द्वारा एफआईआर लॉन्च की जा रही है उसने क्या प्रोटोकॉल अडॉप्ट करे टू रजिस्टर द एफआईआर, उसको भी जो है देखना होगा। कई बार वहां पर भी जो है चूक हो जाती है, प्रॉपरली एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि घटना स्थल से थाने की दूरी जो है बहुत ही कम होती है और एफआईआर में जो है देरी हो जाती है, इस कारण को जो है मेंशन नहीं किया जाता है। किस रूप में एंटी करप्शन में आपका रोल आ रहा है, किस रूप में डिमांड दिखती है, किस रूप में एक्सेप्टेंस दिखता है,
उस बारे में भी कोई स्पेसिफिक चर्चा जो है कई बार एफआईआर में नहीं की जाती है, कई बार देरी होने के बाद भी इस कारण को मेंशन नहीं किया जाता है, पूरी की पूरी घटना को दबाकर उसे कॉम्प्रोमाइज वे में लिखा जाता है ताकि सही बात जो है निकल के नहीं आ पाए और अल्टीमेटली अक्यूज के राइट्स को जो है वो अफेक्ट किया जाता है। तो जब भी आप एफआईआर को देखें तो इन पैरामीटर्स पे जो है आपको वर्कआउट करना है ताकि इजीली एफआईआर का आप रिव्यू कर पाएंगे और एफआईआर रिव्यू के साथ साथ जो पॉइंट निकल कर आएंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उदाहरण के लिए एक केस में जो है एक प्रश्न पूछा गया, इसको आप नोट कर लें, एक केस में जो है प्रश्न पूछा गया कि आप थाने पर या चौकी पर एफआईआर दर्ज कराने से पहले परिवादी से मुलजिम से जो है कितनी बार मिले। स्पेसिफिक क्वेश्चन था, एफआईआर दर्ज कराने से पहले आप मुलजिम से कितनी बार मिले, तो वो ये कहता है मुझे ध्यान नहीं है, जिसका अभिप्राय ये है कि मीटिंग जो है वो कई बार हुई है। तो ये मीटिंग्स कई बार हुई है तो ये कितनी बार हुई, किस टाइम अप्रॉक्सीमेट में हुई, उस मीटिंग में कितनी डिमांड हुई, डिमांड के साथ साथ एक्सेप्टेंस का व्यू क्या रहा, क्या डिमांड के साथ साथ हैरेसमेंट था या नहीं था, और हैरेसमेंट के साथ कंपल्सिव व्यू था या नहीं था, इन सब बातों को तो लिखा ही नहीं जाता, खा जाते हैं। तो इन बातों को यदि आप रिव्यू में निकालेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा और वहाँ पर जिरे के एंगल में आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हालांकि ये 13 पॉइंट हैं पर इन पॉइंट को जो है आपको इलेबोरेट करना है, चौकी से थाने की डिस्टेंस और जो जीरो नंबर एफआईआर वहां तक पहुंची है, वहां से रजिस्टर के दोबारा वापस से जो है थाने तक पहुंची या चौकी तक पहुंची या फिर कंसर्न कोर्ट तक पहुंची, तो कितना समय यहां पर कंज्यूम हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज जो है इससे पहले हो चुकी है उनमें कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लगा, इसमें देरी क्यों हुई, इसके साथ साथ अगर मेयर केस जो है देरी का है तो वो देरी क्यों हो रही है, देरी किसके पार्ट पे हो रही है, घटना घटने के समय में कई मैनिपुलेशंस है तो इसको भी जो है पॉइंट आउट कीजिए, और इससे पहले के जो इवेंट्स है जो कि सप्रेस होते हैं छुपा लिए जाते हैं इन पर भी जो है आपको वर्कआउट करना ताकि आप इजीली जो है इसको चेस कर सकें, इजीली जो है इसको कंटेस्ट कर सकें। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार एफआईआर जो है एसएचओ के द्वारा दर्ज नहीं की जाती है, ऐसी एफआईआर भी इलीगल है कि एफआईआर शुड बी लॉस्ड बाय द एसएचओ। ये लोग करते क्या है, इनके डिपार्टमेंट के मैनुअल से कंसर्न्ड व्यक्तियों को आईओ बनाकर या आईओ की तरह ट्रीट करके या एसएचओ की तरह ट्रीट करके एफआईआर जो है उसे दर्ज करवा लेते हैं जो गलत है। तो कुल मिलाकर इन बिंदुओं पर आपको काम करना है तभी आपको जो है सफलता मिलनी है और इजीली जो है आप ऐसे मैटर को इन प्रस्पेक्टिव में जो है चेस कर पाएंगे। तो साथियों जल्दी मिलेंगे ऐसे टॉपिक के साथ, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर कर देना, मिलते हैं साथियों, जय हिंद जय भारत।